दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए एक नया वीडियो लेकर फिर से आप लोग के सामने आ गया हूं। जी हां दोस्तों, और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सतोशी माइनिंग, आपको पता है सतोशी माइनिंग में आप लोग ज्वाइन है, वहां पर माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग करके कोर क्वाइन दोस्तों अर्न कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर क्वाइन है वो बीट क्वाइन का छोटा भाई है। तो भैया बिटकॉइन का वैल्यू कहां से कहां चला गया ये सभी को मालूम है, क्योंकि बिटकॉइन जब आया था उस समय वैल्यू इसका बहुत कम था, लेकिन अभी कितना है। मतलब ये है कि एक आम इंसान, एक आम आदमी इसको कभी परचेज नहीं कर सकता है जितना इसका वैल्यू है। एक क्वाइन का, एक बिटकॉइन का वैल्यू जितना है हम लोग परचेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चूंकि उसके लिए लाखों रुपया चाहिए। लेकिन ये जो सतोशी माइनिंग है वो मौका दिया है कि एक आम इंसान भी यहां पे करोड़पति बन सकता है, लखपति बन सकता है, ये कोर क्वाइन को लेकर के, कोर क्वाइन को यहां प्राप्त करके माइनिंग के द्वारा, है ना। अगर वो प्राप्त कर लेता है तो अच्छा खासा उसको इनकम यहां पे होगा, क्योंकि भविष्य में कोर क्वाइन का वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाला है, समझ रहे भैया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सतोशी माइनिंग जो यहां पे बराबर मैं आपको बोलता रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि 12 दिसंबर तक यह माइनिंग समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इनका एक टारगेट था कि 525, दोस्तों आपको याद होगा, मतलब याद किया होगा, आप लोग तो माइनिंग कर रहे हैं तो बराबर देखते होंगे अपने स्क्रीन पे कि वहां पे दोस्तों डेली जो है बढ़ रहा है, अभी 517 चल रहा है। वो सारा कुछ मैं अपने मोबाइल में ले जाके आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। तो इनका यह कहना था कि ये 525 जो है पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे माइनिंग समाप्त हो जाएगा, चाहे वो 12 दिसंबर को हो या 13 दिसंबर को हो या फिर 11 दिसंबर को क्यों ना हो, यानी डेट नजदीक आ गया है। अब समय जैसे जैसे नजदीक आ गया है तो जाहिर सी बात है जो लोग माइनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वाइन तो बना ही होगा, सभी लोग को बना होगा, है ना। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे नेटवर्क भी बना है और नेटवर्क से यहाँ दोस्तों पावर मिलता था, हैज पावर, और हैज पावर से माइनिंग बहुत स्पीड में होता था और स्पीड में होने के कारण दोस्तों कोर क्वाइन ज्यादा अर्निंग होती थी, होती है ना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अभी डेट खत्म होने वाला है इसका माइनिंग का, तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतना है, क्योंकि दोस्तों सावधानियां अगर आप नहीं बरतेंगे तो इतना दिन से जो आप माइनिंग किए हैं, इतना दिन से जो आपने मेहनत किया है वो सब बेकार चला जाएगा, यानी सारा जो मेहनत आपका है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बढ़ा के नहीं देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर बढ़ा के स्किप करके आप देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, समझ गए। अगर नहीं समझ पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपसे वो गलती हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए, और ये गलती दोस्तों अगर हो जाती है आपसे तो सतोशी माइनिंग में सारा जो मेहनत बेकार चला जाएगा जो अभी तक आपने किया है, समझ गए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो माइनिंग आपके सामने हो रहा है, माइनिंग चल रहा है, इस माइनिंग को बरकरार रखने के लिए, मतलब कोर क्वाइन जो आपको मिला है माइनिंग के माध्यम से इसको बरकरार रखने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मोबाइल के स्क्रीन में लेके जा रहा हूं और वहीं पे आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा और साथ ही साथ सावधानियां ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो सावधानियां आपको यहां पर रखना होगा, ठीक है। अगर नहीं बरतेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है अपना मेटा मास्क आप खो देंगे, आपको मालूम है ना मेटा मास्क के बारे में, क्योंकि मेटा मास्क की वो वॉलेट है जहां पे कोर क्वाइन को आपको ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या सावधानियां बरतना है चलिए मैं आपको यहां पे भी बताता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन ले जाके, ठीक है। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पे मैं आ गया हूं। अब चलिए आपको लेके चलता हूं सतोशी माइनिंग में। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं सतोशी माइनिंग का यहां पे दोस्तों फोल्डर बना के रखा हुआ हूं, जितना भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में यूज करता हूं सारा का फोल्डर बना के रखा हुआ हूं। ये देखिए दोस्तों यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको सतोशी माइनिंग, इसको ओपन करता हूं दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं मेरा जो कोर क्वाइन दोस्तों यहां पे बन गया है, आपको मैं दिखा दूं यहां पे करीब करीब दोस्तों 119 कोर क्वाइन बन गया है। और ये सर्कुलेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलेशन है 517, ये 525 जब हो जाएगा तो माइनिंग यहाँ बंद हो जाएगा। अब चाहे वो 12 दिसंबर को हो या 13 दिसंबर को हो या फिर उससे पहले 11 को हो जाए या 10 को हो जाए, वो माइनिंग नहीं रखता है, माइनिंग ये रखता है कि हाँ 525 हो जाएगा तो ये माइनिंग बंद हो जाएगी। अब जाहिर सी बात ये माइनिंग जब बंद हो जाएगी तो ये जो कोर क्वाइन है इसको हमको कहीं ना कहीं ले जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपको यहाँ पे सतोशी माइनिंग का जो पासवर्ड है वो याद रखना होगा। हालांकि पासवर्ड चेंज होता है लेकिन जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो चेंज करने के लिए फिर प्रोसेस करना होगा, वो याद रखिएगा आप। दूसरा दोस्तों ये जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे 150 होता है, तो यहाँ पे जो 150 ब्लॉक बन जाता है तो आपका माइनिंग बंद हो जाता है, उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने बता दिया है आपको, आप लोगों ने ध्यान रखा ही होगा। उसके बाद रिसीव कोड पर क्लिक करते हो सारा ये जो कोड है जो इसमें जाके ऐड हो जाता है,
ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हैज कार्ड जो यहाँ पे आता है बहुत कम आता है, मतलब 3 से 4 दिन पे एक बार आता है, ठीक है ना। तो ये हैज कार्ड भी देखिए मैंने नहीं लिया है, लीजिएगा तो ये पावर आपका बढ़ेगा। और दोस्तों ये जो पावर बढ़ेगा ना, जितना ये पावर आपका होगा, ये पावर आपको आगे भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये पावर आपके खाता पे चढ़ा जाएगा, आपके आईडी पे ये पावर चला जाएगा। तो आगे भी अगर माइनिंग होता है सतोशी का, तो ये पावर आपको हो सकता है उस समय एज इट इज मिले, मतलब उस समय ये पावर आपको मिले जो अभी आपने बना रखा है, ठीक है। ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसा सुनने में लगा आया है कि ये पावर आपको हो सकता है उस समय हेल्प करे, इतना पावर आपको ऑटोमेटिक मिल जाए जब फिर से सतोशी माइनिंग होगा, तब समझ रहे हैं कोर क्वाइन का माइनिंग होगा तब। इसलिए दोस्तों ये पावर भी बरकरार रखिएगा, ये पावर भी बढ़ाइएगा यहाँ पे हैज पावर लेकर के, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे मी में जाइएगा, और मी में जाने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो बिटकॉइन मिल रहा है, बिटकॉइन जो अर्निंग हो रहा है, एक एक्स्ट्रा इनकम जो यहाँ पे दे रही है ना सतोशी। दोस्तों यहाँ पे देखिए बिटकॉइन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम क्लिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन मुझे इतना मिला है, बिनांस इतना बिटकॉइन मिला है। मान लेते हैं कि आप विड्रॉ भी करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए दोस्तों यहाँ पे विड्रॉ पे जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि चेन ट्रांसफर फी, यानी 0.00001 BTC आपका ट्रांसफर फी लगेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ रूल भी दिया हुआ है कि आप जो है ट्रांसफर करने का यहाँ पे रूल है। तो चलिए ट्रांसफर करने के लिए तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, चूंकि अभी तो मेरा टॉपिक जो है वो है सावधानियां बरतना, क्या क्या सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी है। तो फिलहाल तो दोस्तों ये जो है सतोशी माइनिंग में वैसा कोई सावधानियां नहीं है, बस आपको पासवर्ड सिर्फ यहाँ पे अपना याद रखना है। मेन जो सावधानियां है दोस्तों वो है आपका कहाँ भैया, आ तो मेटामास्क में है, ठीक है। और यहाँ पे सतोशी भैया देखिए ये जो एड्रेस है दोस्तों, ये जो एड्रेस यहाँ पे है हाउ टू पार्टिसिपेट टेस्ट नेट एड वॉलेट एड्रेस, ये वॉलेट एड्रेस दोस्तों ये है, मतलब ये जो एड्रेस आपने जो ऐड किया था, इस ऐड करके जो आपको यहाँ पे पावर मिला था, याद होगा आपको हैज पावर बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पे वॉलेट एड्रेस ऐड किया था, किसका किया था, मेटामास्क का किया था, है ना। तो ये एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, बहुत लोगों का क्या हुआ कि एड्रेस यहाँ पे डिलीट हो गया, तो जाहिर सी बात है जो डिलीट हो जाता है दोस्तों आपको 30 दिन का मौका दिया जाता है, 30 दिन बाद ही आप यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एड्रेस एक बार ऐड हो जाता है वही एड्रेस रहता है। अब इसी एड्रेस पे ये जो एड्रेस है आप देख सकते हैं, इसी एड्रेस पे ये जो कोर क्वाइन है वो जाएगा। तो ये एड्रेस कहाँ का है, मेटामास्क का है, तो मेटामास्क में ये कोर क्वाइन ट्रांसफर होगा, उसका प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल अभी आपको यही ध्यान देना है कि इसका पासवर्ड याद रहे सतोशी माइनिंग का, और उसके बाद दोस्तों ये जो मेटामास्क है, चलिए मेटामास्क में आपको लेके चलते हैं दोस्तों। ये जो मेटामास्क मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये जो मेटामास्क है देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको मेटामास्क में यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी पासवर्ड आता है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये पासवर्ड भी आपको याद रखना है। अगर मेटामास्क का पासवर्ड आप भूल गए तो भैया रिकवरी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ मेटामास्क का पासवर्ड आपको फॉरगेट भी नहीं कर सकते हैं, क्या फॉरगेट भी नहीं कर सकते हैं, जैसे सतोशी माइनिंग में आप कर सकते हैं। तो अगर ये फॉरगेट, मान लेते हैं कि पासवर्ड आप भूल गए, तो इसका जो वॉलेट है उसको रिकवर करने के लिए आपको दोस्तों वो 12 फेज, आपको याद होगा जब आपने मेटामास्क में वॉलेट क्रिएट किया था तो आपको एक वहां पे व्यू इमेज करके आया था जिसमें 12 इंग्लिश का जो है वर्ड लिखा हुआ था, आपको याद होगा। उसका मैंने बोला था कि इसका इमेज ले लीजिएगा, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट नहीं होता था, उसका इमेज लेके कहीं रख लीजिएगा, चूंकि वही आपको हेल्प करेगा। अगर वो भी आपने डिलीट कर दिया है तो भैया मेटामास्क आपके यहां से गया जो आपने बनाया था, फिर से आपको नया बनाना पड़ेगा, यानी कि जो भी मेहनत आपने किया अभी तक वो सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए मेटामास्क का पासवर्ड तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सतोशी का एक बार भूल जाइएगा रिकवर हो जाएगा, मेटामास्क का रिकवर नहीं हो सकता है। मेटामास्क का रिकवर करने के लिए बस वही 12 फेज मैं दिखा देता हूं दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप पे उसको सेव करके रखा हुआ हूं, जी हाँ वो जो है वो बहुत जरूरी है, समझ गए, मैंने अपने व्हाट्सएप पे उसको सेफ रखा हूँ दोस्तों, ताकि वो रहे, ठीक है ना, वो रहना बहुत जरूरी है। तो भैया ये तो सावधानी आपको बरतना ही होगा, अगर ये भी आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा आपका। ये देखिए ये दोस्तों ये 12 डिजिट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 12 डिजिट का जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाइड करके रखा हुआ हूँ। तो ये आपको आया था जब आपने वॉलेट, ये आपका होना जरूरी है। तो ये वाला और पासवर्ड, मेटामास्क का पासवर्ड ये बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो दोस्तों ये सावधानियां आपको रखना ही रखना होगा, अगर आप नहीं रखेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे वॉलेट गंवा देंगे, तो सारा जो मेहनत हो बेकार चला जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग हमसे ये कमेंट किए थे कि सर स्टैकिंग करके दिखाइए, तो जाहिर सी बात है स्टैकिंग करना जरूरी है, क्योंकि स्टैकिंग कीजिएगा तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो स्टैकिंग का वीडियो दोस्तों मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, तो कल वीडियो देखिएगा कैसे मेटामास्क में स्टैक किया जाता है। स्टैकिंग का मतलब होता है जैसे ऑनलाइन ट्यून में आप वहाँ पे कि इसको रोबी को स्टैक करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे कोर क्वाइन को स्टैक करना होगा। कोर क्वाइन को स्टैक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा वो बेनिफिट आपका होगा। अब कंपनी यहाँ पे अभी बताई नहीं है कि कितना आप मिनिमम कोर क्वाइन को स्टैक कर सकते हैं, जब कंपनी बताएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये मेटामास्क है दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड और 12 फेज जो मैंने आपको दिखाया अभी उसको आपको पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रहेगा तभी होगा। बाकी है कि कैसे स्टैकिंग करेगा उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा, कल वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देख लीजिएगा। और ये जो आप देखते हैं दोस्तों, ये तो क्या बोलते हैं उसको, यह प्रैक्टिस है, ये रियल वाला टी कोड नहीं है, यह प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस में आपको बताया जाएगा स्टैकिंग जो मैं करूँ के दिखाऊंगा आपको, वो ये प्रैक्टिस है, वो रियल वाला नहीं है, इमेजिन है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस करके मैं बिठाऊंगा, ऐसे आपको करना होगा। तो जो रियल जो यहाँ पे क्वाइन आप कमाएंगे, ये वाला क्वाइन जो यहाँ पे आप कमाएंगे ये वाला, इसको आपको वहाँ पे स्टैक करना होगा। तो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल दोस्तों जो सावधानियाँ हैं मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे सावधानियाँ तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है, यही एड्रेस दोस्तों यहाँ पे सतोशी ये मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है ना, यही एड्रेस, क्योंकि यही एड्रेस पे ये आएगा, इसी एड्रेस के थ्रू ये कोर क्वाइन इसमें आएगा, इसलिए दोस्तों ये रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं रखेंगे तो भैया फिर जो है जिम्मेवारी आपकी ही होगी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने जानकारी आपको दिया आपको अच्छा लगा होगा, है ना, सब कुछ मैंने बता दिया कि आपको किन किन बातों को ध्यान देना है। बात ज्यादा कुछ लंबा है नहीं, है ना, कुछ ऐसा है नहीं कि 3-4 पॉइंट है उसको याद रखना है, जो मेन मेन पॉइंट है 2-3 पॉइंट है आपको याद रखना है, पासवर्ड और फेज याद रखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकवर करने के लिए वही जरूरी होगा दोस्तों, अगर वो नहीं होगा रिकवर आपका मेटामास्क नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो आपको सब डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक करें या ना करें, डिसलाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों को बताइए कि भैया कोर क्वाइन का जो माइनिंग आप कर रहे हो तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो जो वीडियो में बताया गया है, ठीक है ना। स्टैकिंग का वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय की बोर्ड 91, जय 5 बिलियन, जय 2।